हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या एकेडमी। और आज हम करेंगे क्लास 9th की इंग्लिश की वर्कशीट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की। और आज है 11/8/2020 और यह है वर्कशीट नंबर 16। टॉपिक है आज का कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन द रोड नॉट टेकन पोएम। द रोड पढ़ते हैं इसको जरा। रोड नॉट टेकन इज अ वेल नोन पोएम अबाउट मेकिंग चॉइसिस दैट शेप्स अस। ये पोएम किसके बारे में है? हमारे निर्णयों के बारे में, हमारे चॉइसेस के बारे में है जो हमारे आगे के फ्यूचर को शेप करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट सिंपली बट इनसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। इस पोएम को लिखने वाले पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट और वो बहुत सिंपल वे में लिखते हैं लेकिन हमेशा अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं और उसी का यूज़ करके अपनी पोएम भी ये डिपिक्ट करते हैं अपने लिसनर के सामने। इन दिस पोएम द पोएट फाइंड्स हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ टू डाइवर्जिंग रोड्स। ही इज कन्फ्यूज्ड अबाउट विच वन टू चूज। ही लुक्स टूवर्ड्स देम। वन ऑफ द रोड इज मोस्ट यूज्ड बट द अदर वन इज ग्रासी एंड वॉन्ट्स वियर। द पोएट डिसाइड्स टू टेक अप द रेयरली यूज्ड रोड टू मेक अ डिफरेंस। तो ये क्या है पोएम, इसके बारे में क्या बताया गया है कि पोएट एक समय अपने आप को एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पाता है और एक ऐसे रोड पर खड़ा हुआ पाता है जहाँ पर उसके बाद रोड डाइवर्ज हो जाता है, एक रोड से दो रोड बन जाते हैं। सो कन्वर्जन ऑफ वन रोड इनटू टू रोड्स इज कॉल्ड डाइवर्जन। ही इज़ कन्फ्यूज्ड, वो कन्फ्यूज है कि किस रोड को चुने। ही लुक्स दैम, दोनों को देखता है। एक काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ होता है, उस पर कम ग्रास होती है, दूसरे पे बहुत ज़्यादा ग्रास होती है। इसका मतलब उस रास्ते पर बहुत कम लोग गए हैं। द पोएट डिसाइड्स टू टेक अप रेयरली यूज्ड रोड टू मेक डिफरेंस एंड ही डिसाइड टू वॉक ऑन द रोड ऑन विच लेस ट्रेवलर हैड ट्रेवल्ड। यानी कि वो उस रास्ते पर चला जिस पर काफ़ी कम लोग गए थे। He knows that, आगे पढ़ते हैं, He knows that he may not be able to come back once he has selected one of them, but he still moves ahead on the greener one. उसको पता था कि एक बार मैं इस रास्ते को चुन लेता हूँ, आगे चला जाता हूँ तो वापस आने का कोई चांस नहीं है, फिर भी ये जानते हुए उसने greener one को चुना, यानी कि मुश्किल रास्ते को उसने चुना। The road symbolizes our life. ये road इस पोएम में किसको सिंबलाइज कर रहा है? हमारे जीवन को। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी ऑल फेस सच सिचुएशन व्हेन वी हैव टू टेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। वी मे लुक बैक इन लाइफ एंड रिमेंबर दैट मोमेंट। इट इज़ दैट डिसीजन विच अफेक्ट्स आर फ्यूचर। तो ये रोड हमारे जीवन को सिंबलाइज कर रहा है और हम भी अपने जीवन पर एक दोराहे पर खड़े हो जाते हैं जहाँ पर हमें कोई ना कोई डिसीजन लेना होता है और हम जो डिसीजन लेते हैं वो हमारे फ्यूचर को भी प्रभावित करता है। जब फ्यूचर में हम कभी पहुंचते हैं कुछ समय बाद, हम डिस्कस करते हैं अपने डिसीजन को जो कि हमने पहले लिया था। तो इसलिए इन शॉर्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना चाहते हैं, सो बिफोर यू मेक डिफ़िकल्ट चॉइस इन लाइफ, जैसे कि इसमें ट्रैवलर ने इस दोनों चित्रों में उस रोड को चुना जिसमें काफ़ी ज़्यादा घास थी, यानी कि काफ़ी कम लोग इस पर ट्रैवल कर रहे थे, बहुत मुश्किलों वाला रास्ता था इसलिए लोग इस पर नहीं जाते थे। तो हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं कि सो बिफोर यू मेक डिफ़िकल्ट चॉइस इन लाइफ ऑलवेज थिंक ट्वाइस। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले दो बार सोचें क्योंकि हर डिसीजन हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है। पिक्चर वन में एक व्यक्ति खड़ा है, एक पर्सन खड़ा है और रोड पर, और वो सोच रहा है कि मैं किस रोड को चुनूं। पिक्चर टू में क्या है, उसने डिसाइड कर लिया कि वो मोर ग्रासी वन यानी कि ज़्यादा घास वाले रास्ते को चुनेगा। पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन और पोएट का नाम है इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम, पोएम का नाम क्या है? थर्ड ऑप्शन रोड नॉट टेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, कौन है इसका पोएट? सेकंड ऑप्शन क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। थर्ड ऑफ क्वेश्चन क्या है, इन पिक्चर वन व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो पिक्चर वन क्या दिखा रही है देखते हैं हम। पिक्चर वन में क्या था,
अ मैन थिंकिंग, हाँ सोच रहा था, टू डाइवर्जिंग रोड, ये भी बात थी। तो दोनों ही चीजें थी, इसका मतलब बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द पोएट डिसाइड टू टेक अप विच वन ऑफ द रोड्स, कौन सा रेयरली यूज्ड, मोस्ट यूज्ड, कैप्ट स्टैंडिंग, वेंट बैक। तो जो रेयरली का मतलब होता है जिसको कम लोगों ने चुना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन पिक टू व्हाट डू यू ऑब्जर्व, पिक टू में हम क्या देख रहे थे, अ मैन वॉकिंग, एन एरो, ग्रासी रोड, ऑल ऑफ देम, सभी चीज़ें थी। एक व्यक्ति चल भी रहा था, एरो भी दिखाया गया था पिक्चर टू में, ग्रासी रोड भी था, यानी कि ऑल ऑफ अबो, फोर्थ आंसर इसका हो जाएगा। आप इसको ऑप्शन को टिक लगा सकते हैं। मैन वॉकिंग, एन एरो, ग्रासी रोड एंड ऑल ऑफ देम, तो ये आंसर हो जाएगा। द रोड सिंबलाइजेज आर, ये जो रोड है क्या है, हमारी फैमिली को बता रहा है। सिंबलाइज मतलब हम मेल जोल खाना, प्रदर्शित करना, स्कूल को, नंबर्स को या लाइफ को। रॉबर्ट फ्रोस्ट ने आपको बताया था कि ये रोड हमारी लाइफ को सिंबलाइज कर रहा है, ऑप्शन नंबर वन। वी शुड थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन इन लाइफ, बिकॉज हमें कोई भी डिसीजन लेते समय दो बार सोचना चाहिए, हमें कोई भी डिसीजन लेते समय हमें दो बार सोचना चाहिए। क्यों, बिकॉज दे अफेक्ट आर फ्यूचर, शेप आर लाइफ, डिसाइड आर डेस्टिनेशन, तीनों ही बातें सही हैं, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। और व्हाट इज द एंटोनिम, यानी कि अपोजिट, डिसीजन मतलब निर्णय लेना, चॉइस भी निर्णय लेना होता है, रिजोल्यूशन भी निर्णय लेना होता है, सिलेक्शन भी निर्णय लेना होता है, बट अनसर्टेनिटी होता है निर्णय ना ले पाना, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टू। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहे मिलते अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।